सीधा पकड़ घोड़े को। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हम हैं आज तेलंगाना स्टड फार्म पर, जो लोकेटेड है शास्त्रीपुरम में, बल्लागुड़ा शास्त्रीपुरम रेलवे गेट के बिल्कुल बिसाइड में एक लेन है, वहाँ पर है। और यहाँ के जो ओनर है बिलाल भाई, उनसे भी बात करेंगे हम। आप पीछे फंक्शन हॉल देख सकते हैं, यहाँ पर आराफ कन्वेंशन फंक्शन हॉल है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये फार्म है, तेलंगाना स्टड फार्म, और यहाँ पर बिल्कुल न्यू स्टॉक अवेलेबल है। और भी बहुत सारा स्टॉक आने वाला है यहाँ पर, उसके भी वीडियोस बताएंगे हम। बात करेंगे बिलाल भाई से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से बिलाल भाई? बिलाल भाई, आपके पास आज कौन से ब्रीड के हॉर्सेस अवेलेबल है? ये तो एक वन मैन पुराने स्टॉक है। अच्छा, कोरोना की तरफ से, लॉकडाउन की तरफ से जो है घोड़े गए नहीं है। ऑलरेडी बात हुई, मगर ट्रांसपोर्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बोल के रुक गया जी। मगर अभी ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल हो गई जी, यानी अभी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ऑल इंडिया में। हो जाएगा। ये सिंधी घोड़ा है, ये सिंधी है जो व्हाइट कलर में है जी। अच्छा, हल्की सी स्पॉटिंग है ना इसके ऊपर, बारीक संजाब, मक्खी संजाब बोलते हैं, मक्खी संजाब बोलेंगे इसको। और घोड़ा है गिल्डेड हॉर्स, ऑस्ट्रेलियन ही है, खसी है, देखिए गिल्डेड हॉर्स है। आप इसको राइडिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, गाड़ी टांगा जैसा बोले वो चलता है। अच्छा, बग्गी वगैरह ये सब चीजें के लिए रेडी है, चालू है, जंपिंग वगैरह भी कर रहा है, राइडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी पोलो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या हाइट है इसकी? अभी 61 आती है इसकी हाइट, 61 हाइट है इसकी, 61 से कम नहीं आया। एज क्या रहेंगी इसकी? अभी एज होगी 4 से 5 साल में है, 4 से 5 साल है इसकी। चलिए, इसकी भी राइडिंग देखेंगे हम नेक्स्ट। इसके बाद ये काला घोड़ा है आपके पास, और बहुत हैवी कंडीशन के अंदर है, डबल बोन में है, दो पैर वाइट है इसके, तीन पैर वाइट है। ये देखिए आप, पीछे का ये पैर भी इसका वाइट है, और दो पैर पे सॉक्स है। इसकी क्या हाइट है? ये 60+ आएगा। और कौन सी ब्रीड में है? मारवाड़ ब्रीड में। ये देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर मारवाड़ एक घोड़ा है यहाँ पर, और ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन घोड़ा है जी। चेहरे पे भी इसकी पट्टा है, और इसके कितने खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत और अच्छी लेंथ है इसके बालों की, जो गर्दन पे बाल है बहुत बड़े हैं। और क्या एज रहेंगी इसकी? 4 साल का है। 4 साल। आप देखिए, जब राइडिंग करेंगे आप इसकी, बहुत अच्छा लुक आएगा इसके बालों से, बहुत लंबी लेंथ है इसकी, कान भी बहुत अच्छे घोड़े हैं, शॉर्ट कानों में है, छोटे कान के अंदर मारवाड़ घोड़ा है, प्योर मारवाड़ जी। प्राइसेस क्या रेट से स्टार्ट रहेंगे और क्या रेट से एंड रहेंगे? आज हम इसके अंदर स्पेसिफिक, मैं पर्सनली एक एक घोड़े का प्राइस नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नादान है, किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि हॉर्सेस के रेट्स क्या होते हैं, जो ओरिजिनल प्योर हॉर्सेस आते हैं 7,000, 10,000, 8,000, 15,000, ये रेंज में जो ओरिजिनल ब्रीड होती है ये नहीं मिलेंगी आपको कहीं भी। पोनी हॉर्सेस है, खच्चर टट्टू वगैरह ये सब मिलेंगे, या अगर घोड़े के अंदर कुछ ना कुछ खराबी रही तो वो घोड़े कम में मिलेंगे। बेबी हॉर्सेस फिर भी मिल जाएंगे कम रेट के अंदर। तो एक स्टार्टिंग टू एंड का एक प्राइस बतलाइए बिलाल भाई। ये उमर भाई, मेरे पास जो आते हैं हॉर्सेस, जो कलेक्शन आता है जी, मिनिमम अच्छा आपको घोड़ा लेना है तो 70,000-80,000 रुपीज आपको स्पेंड करना होगा। स्टार्टिंग 70,000 से स्टार्ट होगा। अब आप 30,000-40,000 में, बहुत सारे कस्टमर्स को और आपके व्यूअर्स को देख रहा हूँ, कॉल कर रहे हैं 30,000 में होना घोड़ा जी, और 25,000 में होना बोल रहे हैं, ये कहाँ से लेंगे उतने वो प्राइस में घोड़े? बिल्कुल। और अपन का जो, मेरे पास जो कलेक्शन आता है पूरा आउट ऑफ का है जी, यानी हैदराबाद का रिसाइकिल नहीं होता आपके पास, बिल्कुल फ्रेश का स्टॉक आपके पास बाहर से आते रहता है। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया अवेलेबल रहेगा आपके पास? चलिए, यानी कोई भी स्टेट हो आप पहुंचा देंगे, उसके चार्जेस अलग से रहेंगे ट्रैवलिंग के, जो ट्रांसपोर्ट रहेगा। और ये जो प्राइसेस है 70,000 टू एक्सटर्नल जो भी होगा, इसमें नेगोशिएबल करेंगे? मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए का भी घोड़ा अवेलेबल, 3-4 लाख तक के घोड़े भी है, पुराने स्टेबल पे बने हुए घोड़े वो जी, बड़े घोड़े हैं। ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बता चुका हूँ मैं यहाँ के इस फार्म के, फिर जो भी नया स्टॉक आता है बिलाल भाई का, हम उसकी वीडियो कवर करके आप लोगों के सामने बतलाते हैं। तो जो इंटरेस्टेड हो आप लोग डायरेक्टली टाइटल के नंबर पे कॉल करिए। अभी नीचे जो गोडाउन में फार्म के अंदर हॉर्सेस है वो भी बतलाऊंगा, सबसे पहले इन दोनों की राइडिंग देख लेंगे। राइडिंग का रेडी है ये घोड़ा, अभी ऑस्ट्रेलियन हॉर्स है, 60 हाइट है इसकी। ये देखिए आप, राइडिंग का रेडी है, देवमन भी है इसके अंदर, बहुत अच्छी हाइट लेंथ के अंदर, और डबल बोन है, चौड़ा घोड़ा है।
नेक्स्ट इसके बाद में ये एक है जेट ब्लैक कलर में, और बिलाल भाई ये घोड़ा है या घोड़ी है? घोड़ा है मोर, घोड़ा है। तो ये पूरा जेट ब्लैक है या कहीं व्हाइट है इसमें? पूरा ब्लैक है, मुंह पे एक फेस पे थोड़ा सा डॉट है, नाक के पास है और एक ऊपर थोड़ा। एक बार करीब से बता देंगे क्या हाइट है इसकी? 60 प्लस हाइट आएंगी। आप लोग देखिए हाइट वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। जेट ब्लैक कलर में सिर्फ टीका है इसके चेहरे के ऊपर, मारवार के अंदर है ये। कितने साल है, एज क्या है इसकी? 4 से 5 साल में। 4 से 5 साल का है। और राइडिंग का रेडी है ये भी? राइडिंग का रेडी है, राइडिंग का रेडी है ये भी, राइडिंग का रेडी घोड़ा है। 60 प्लस हाइट मारवाड़ में। हाथ पैर साफ है इसके। चाल वाला घोड़ा है, देखिए अब चाल भी है इस घोड़े के अंदर। नेक्स्ट में और एक ये है, देखिए बिलाल भाई ये कौन सी ब्रीड में है? ये कांटेवाड़ और मारवाड़ मिक्स है मोर भाई। अच्छा, कांटेवाड़ क्रॉस मारवाड़ है। और क्या हाइट है इसकी? ये हाइट इसकी भी 59-60 आती है। 59-60 इसकी हाइट रहेंगी। एज क्या है इसकी? ये 5 साल। 5 साल एज है। खसी घोड़ा। अच्छा, गिल्डेड खसी है। और ये भी राइडिंग वगैरह के लिए चालू है? एकदम साफ है, देखिए कहीं कोई जख्म वगैरह नहीं है। हाथ पैर भी साफ है इसके। लाल पंचकल्याण है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है यहाँ पर, ये वाला। और इसकी क्या हाइट है बिलाल भाई? ये भी 61-60 बैठता है। 60-61 आएगा ये। बहुत अच्छी क्वालिटी में और तैयारी बहुत अच्छी है इसकी। और गल्ड है, ये भी खसी है। ये भी खसी है। इसकी स्किन में देखिए आप लोग, शाइनिंग है बिल्कुल नुकरे की तरह। हल्की सी स्पॉटिंग है इस पर, जैसा चेहरे पे धब्बे है कुछ, और पीछे हिस्से में बाकी सारा बिल्कुल नुकरे के वैसा घोड़ा है। और क्या एज है इसकी? ये भी 4 से 5 साल। 5 साल आधा हो गया। 5 साल का घोड़ा है। और कौन सी ब्रीड में है? मारवाड़ में। मारवाड़ में है ये भी। और बाल भोरी वगैरह सब क्लियर है? चलिए। और ये भी राइडिंग वगैरह सब चालू है इसमें, बग्गी वगैरह भी चलता है। अच्छा, ये घोड़ा भी बग्गी के लिए चालू है। देवमन भी है इसमें? जीओ। ये देखिए आप, देवमन भी है इसके अंदर। गिल्डेड हॉर्स है। खास तौर जो गिल्डेड हॉर्स रहते, खस्सी जो घोड़े रहते हैं, उन लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी रहती है और एग्रेसिव नहीं रहते ये। राइडिंग वगैरह भी बहुत अच्छा करता। चलिए इसकी राइडिंग बतला दी। राइडिंग का चालू घोड़ा है, नाच काम भी है इसके अंदर। आप देखिए इसकी चाल वगैरह बहुत अच्छी है। गिल्डेड हॉर्स है ये। बहुत अच्छा नाच काम है इसके अंदर। देखिए आप, घोड़ा बहुत खूब खसी घोड़ा, बिल्कुल नुकरे की तरह एकदम साफ है। सिर्फ हल्की सी स्पॉटिंग है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और कुछ। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को बतलाया था, और जो घोड़े हैं यहाँ पर स्टड फार्म के अंदर अवेलेबल है, और बहुत सारा स्टॉक है यहाँ पर। जो जो इंटरेस्टेड हो आप लोग डायरेक्टली टाइटल के नंबर पे बिलाल भाई से कांटेक्ट कर ले सकते हैं। रेट सारे नेगोशिएबल रहेंगे, और हर ब्रीड के अंदर काम होता है बिलाल भाई का। हर टाइप का हॉर्स भी मिल जाएगा। एक यूट्यूब चैनल भी है बिलाल भाई का, उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम। बिलाल भाई, आपके चैनल का नाम क्या है? तेलंगाना हॉर्स सेल बोल के एक चैनल है हमारे भाई। तेलंगाना हॉर्स सेल जी। तो चलिए, अगली जो वीडियो आएगी आपकी इंशाल्लाह, उसके अंदर स्टार्टिंग में ही हम बतलाएंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टॉक आएगा उसके अंदर भी आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोज बताता रहूंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।